મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે અંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને એક તરફ એમ યોગ કે નામ સે એપ લોન્ચ કિયા वहीं 18 साल वाले व्यक्तियों की फ्री वैक्सीन की सौगात भी दी। अब सभी को फ्री वैक्सीन मिलेगी ये कहना है भाजपा का और आज योग दिवस है पर 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली में अब केंद्र सरकार के द्वारा 18 प्लस वाले सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई है और जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर जो खींचातानी हो रही थी वो खत्म हो गई। दिल्ली सरकार का आरोप था कि केंद्र सरकार दिल्ली को वैक्सीन नहीं दे रही है और केंद्र सरकार का कहना था कि दिल्ली सरकार को पर्याप्त वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीन दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों में बेची रही है और मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। वहीं आज योग दिवस पर केंद्र सरकार के द्वार बड़ा ऐलान किया गया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री शुरुआत हो गई है तो भाजपा के लोगों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते नजर आ रहे। वहीं पूर्व महापौर ने आज दिल्ली नगर निगम अस्पताल में आ रहे 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए और अब योग दिवस पर केंद्र सरकार सर आज योगा दिवस पर आप लोग मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं या 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन दी जा रही है तो इसके सभी जगह मिलेगी या फिर खाली चुनिंदा अस्पतालों के अंदर या प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ही मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबको बधाई और आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के द्वारा जो 18 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको फ्री वैक्सीन दी जा रही है। इसका अर्थ है कि सभी राज्य सरकारों के ऊपर से बोझ हट गया है। अब पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव का टीकाकरण का जो खर्चा है वो मोदी जी उठाने वाले हैं भारत सरकार उठाने वाली है। हम सभी को आज सुबह से यहाँ स्वागत कर रहे हैं हमारे शहनाई बजाकर ढोल बजाकर ताकि ये उत्सव के रूप में हम मना सकें और जल्द से जल्द सभी लोग टीकाकरण अभियान में अपना सहयोग दें। अब देश के अंदर टीके की कमी नहीं पड़ेगी। हमारे ये सेंटर है यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष की आयु तक से लेकर के और ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लग रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो हम अपने क्षेत्र के लोगों को दिल्ली वासियों को ये कहना चाहते हैं आइए टीका लगवाएं और कोविड महामारी को दूर भगाएं। सर ये वैक्सीन जो दी गई है क्या ये दिल्ली सरकार को दी गई है या फिर दिल्ली केंद्र सरकार के ही हाथ में? नहीं नहीं जब मोदी जी ने घोषणा करी है पूरे देश के अंदर हर वर्ग हर आयु वर्ग के लोगों को अब टीका मुफ्त मिलेगा और वो भारत सरकार मोदी जी के सहयोग से मिलेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वैक्सीन को लेकर दिक्कतें बनी थी लोगों के बीच में भी, अब वो दिक्कतें क्या खत्म हो गई हैं? देखिए दिल्ली सरकार हर काम में फेल है विफल हो गई है। जब दिल्ली को बेड की जरूरत थी तो बेड नहीं मिले, जब दिल्ली को वेंटिलेटर की जरूरत थी वेंटिलेटर नहीं मिले, जब दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत थी ऑक्सीजन नहीं मिली, जब दिल्ली को वैक्सीन की जरूरत थी तो वैक्सीन नहीं मिली। जब से मोदी जी ने कहा है कि टीका फ्री मिलेगा तो उनका जहाँ वोट वहीं टीका अभियान शुरू हो गए। उनकी निगाह टीके पे या वोट पे ये तो वही बताएंगे लेकिन हमारा लक्ष्य लोगों तक पहुंचना है, सबको टीकाकरण में सहयोग करना है, सबको टीका लगवाना है ताकि इस महामारी से हम अच्छे से लड़ सकें। सर दोनों जगह पे कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि अनाज फ्री वैक्सीन फ्री, उनकी तरफ से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जहां वोट वहीं वैक्सीन, क्या दोनों तरफ ये फ्री की स्कीम क्या होगी जी? नहीं नहीं उनके वो वैक्सीन लाए कहाँ से, उन्होंने तो ऑर्डर नहीं किया। अब तो जब से भारत सरकार ने कहा हम वैक्सीन देंगे उसके बाद तो कहीं भी फ्री लगा सकते हैं। दूसरे जहाँ तक राशन की बात है मोदी सरकार ने पिछले लहर में भी देश को राशन दिया था और इस लहर में भी, क्योंकि ये भारत सरकार प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत अन्न मिलता है। दिल्ली सरकार के सभी केंद्रों पर अन्न सड़ रहा है जिसका हमने पोल खोली है, लोगों तक अन्न पहुँचे अनाज पहुँचे लोग भूखे ना सोए ये मोदी जी का लक्ष्य है।